जैसा कि दोस्तों आप लोगों को रपीपे का आईडी पासवर्ड मिल गया होगा, तो उसके आगे हम मुझे करना क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको रपीपे का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, फिर दोस्तों इसको ओपन कर लेना है। इसमें दोस्तों क्या है कि आपको पहले APS एक्टिवेट्स कर, जिससे कि आप अपने कस्टमर का आधार कार्ड से पैसा निकालने से पहले उसको आपको KYC करके एक्टिवेट करना होगा। तो दोस्तों इसमें सारी प्रोसेस आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिए। दोस्तों जैसे कि आप प्ले स्टोर से अपना रपीपे का आईडी डाउनलोड कर लेना है, फिर इसको चलिए हम ओपन कर लेते हैं। विथ RMN पे क्लिक करके ओपन कर लेना है इसको। यहाँ पे से लोकेशन जो भी सब अलाउ कर देना है आपको। इस पे आपको दोस्तों सबसे फर्स्ट वाले पे दिख रहा होगा कि एजेंट RMN, इस पे आपको क्या करना है कि जो आपका मोबाइल नंबर से जो आईडी होगा वो आपका वही है, तो इस पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे इस पे फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों आपको फॉरवर्ड पासवर्ड कर लेना, जो कि आपको नया पासवर्ड बनाना हो उस नाम से आप अपना नया पासवर्ड बना जैसा दोस्तों। उसके आगे आपको इसमें OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो आप उसको OTP फिल कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से अपना सेट पिन कर लेना है, तो कोई भी 6 अंक का पिन डाल के इसमें कंफर्म करके आपको सबमिट कर देना है। चलिए दोस्तों हम पिन सेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से अपना सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा पिन रजिस्टर सक्सेसफुल, डू यू वांट प्रोसीड, तो मेरा ये हो गया है सक्सेस। तो यहाँ पे आपको 6 अंक का पिन डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये लॉगिन हो गया। तो सबसे बड़ी इसमें बात आती है दोस्तों, आपका APS अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि इसमें आपको कोई भी ट्रांजेक्शन या किसी का पैसा निकाल डाल नहीं सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा RBL eKYC के दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी डिवाइस चाहिए, जैसे मोर्फो डिवाइस, फिंगरप्रिंट, जो भी डिवाइस आता है उसको सबसे पहले इसमें आपको यूज करने के लिए चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों मेरे पास मोर्फो का डिवाइस है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो मोर्फो डिवाइस को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको उसका 1 साल का आईडी सर्विस लेनी होगी, तभी वो आप में काम करेगा। तो आईडी सर्विस के लिए आपको दोस्तों अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो दोस्तों इसमें चलिए सबसे पहले यूज करने के लिए इसके प्रोसेस के बारे में बता दें। जैसे आपके पास मोर्फो डिवाइस है, तो मोर्फो डिवाइस के लिए आपको एक प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पे मोर्फो डिवाइस के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं मोर्फो आईडी सर्विस। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों ये मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप उसको ओपन कर लेना है मोर्फो डिवाइस को, फिर अपने डिवाइस को दोस्तों इसमें कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के लिए जैसे कि दोस्तों आपका किसी का OTG बंद रहता है, तो OTG आप अपने सेटिंग में जाके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पे जैसे आएगा तो इस पे आप मोर्फो डिवाइस पे करके क्लिक करके कर दीजिए। ये आपका मोर्फो डिवाइस सर्च कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि योर डिवाइस इज रेडी फॉर यूज, तो मेरा डिवाइस बिल्कुल काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों फिर हम आ जाते हैं अपने रपीपे आईडी पे। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा RBL eKYC पे जाके इस पर प्रोसीड विथ KYC पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है जी। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा RBL बैंक, इस पे आपको जैसे ही आ जाना है तो इस पे आपको सबसे फर्स्ट वाले पे अपना आधार नंबर डाल के फिल कर देना है। दूसरे वाले में भी आपको आधार नंबर डाल देना है। जन्म तिथि अपना डाल देना है, जो भी हो आपका।
फिर आपको अपना जेंडर चेक कर लेना है, चाहे मेल हो या फीमेल, उस पर क्लिक कर, जैसे कि सही है अभी तो इस पर हम सबमिट क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आएगा इसमें आपका दोस्तों पूछेगा कि आपका कौन सा डिवाइस है, तो तुम मेरा दोस्तों मोरको है तो मुझे मोरको पे क्लिक कर देते हैं। फिर आपको आएगा कैप्चा, कैप्चा क्लिक जैसे करेंगे तो मोरको डिवाइस आपका जल जाएगा। तो मेरा यहाँ दोस्तों कैप्चा हो गया। कैप्चा होने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना है। तो दोस्तों इस पे आपको जो आपका आईडी होगा उसका नंबर इस पे फिल कर देना है। सेंड ओटीपी, तो दोस्तों आपका ओटीपी उसी नंबर पे आएगा, वो फिल करके इसको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा होगा ई के वाई सी सी एस पी ऑन बैंडिंग, तो इस पे करके आपको क्लिक करके कर देना है सबमिट। थैंक यू फॉर ई के वाई सी सी एस पी ऑन बॉन्डिंग। तो दोस्तों मेरा ये के वाई सी हो गया है, तो इसको आपको कर लेना है बैक। तो दोस्तों जैसे कि आपको देख रहा होगा ए पी एस का ऑप्शन यहाँ पे आपको आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें आपको ठीक आपको एक घंटे बाद ये आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। 300 रुपये का ओनली ऑन फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको करना है। फिर आप यहां से मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, जो कि दोस्तों मिनी स्टेटमेंट पे 1 रुपये भी मिलता है, जो कि हम अभी आपको करके दिखा देते हैं। यहां पे आपको कोई भी मोबाइल नंबर एक फिल कर देना है। इसमें आपका कस्टमर का नाम डालते हैं तो, चाहे नहीं डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना हम बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर करते हैं कैप्चा पे, फिर दोस्तों यहाँ पे मोरफो डिवाइस अपना जो भी हो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मोरफो डिवाइस मेरा है तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। फिर आपको करना है कैप्चा, फिंगर लगाना है, तो कर देना है सबमिट। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं यू ऑन आर एस 1 रुपये कैशबैक। तो दोस्तों आप जितने भी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करेंगे हर एक कस्टमर पे 1 रुपये आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाल देना है आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका अमाउंट, कस्टमर का कितना अमाउंट निकालना है वो सब डाल के। तो दोस्तों जैसे कि आप इसमें मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, इस पर कैप्चा पे क्लिक करके आप उनका अमाउंट भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रह गई ए पी एस एक्टिवेशन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप कोई भी मोबाइल रिचार्ज, डी डी एच रिचार्ज, कोई भी मतलब काम हो, सारा काम इस पे हो जाएगा। दोस्तों अगर आईडी लेनी हो जो इसमें काम करना चाहे इच्छु हो को, उनके लिए मोरफो डिवाइस भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितने लोगों का मैं आईडी ऐसे ही एक्टिवेट कर दिया हूँ, वो लोग काम वाम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि मुझे उन लोग की आईडी भी बंद करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद। अगर दोस्तों एक बात और इसमें जो कि बहुत मुख्य है कि दोस्तों जैसे कि आप कितना भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, चाहे बैलेंस इंक्वायरी का, चाहे कैश विड्रॉल का, जो कि जिसमें पैसा आपके इसमें वॉलेट में आएगा, तो कैसे आप इस बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको जितना भी विड्रॉल, कैश विड्रॉल करते हैं, इसका पैसा आपको इसके वॉलेट में आएगा, जो कि आप देख सकते हैं मेरा इतना बैलेंस है। तो इसमें आपको कैश विड्रॉल करके अपना बैंक में आप उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर देख सकते हैं इस पर यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है सबसे नीचे बैंक अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा बैंक सेटलमेंट अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करके जो भी आपका बैंक होगा यहाँ पे आप नाम, जो भी आपका नाम हो यहाँ पे आपको डाल लेना है। आपका जो भी बैंक हो यहाँ पे ऐड करके सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर आपको डाल लेना है वहाँ का अकाउंट नंबर, एफ सी कोड अगर आपको पता हो
तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक एफसी कोड हर जगह का आ जाता है। इस पर करके आपको सबमिट कर लेना है, उसके ठीक आधे घंटे बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों, आपको कैसे पता कर लेना है कि मेरा एक्टिवेट हो गया है, कि आपको उसमें से पैसा आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया होगा बैंक सेटलमेंट, बैंक सेटलमेंट है, आपको कितना भी बैंक इसमें ऐड करके अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से बैंक सेटलमेंट पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा, मैं इतना बैंक मतलब इसमें ऐड किया हूँ। तो यहाँ से आप नेफ्ट करके IMPN करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हमारे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।